हे गाइस, तो हम आज आ गए हैं अपना एक न्यू टॉपिक पे बात करने के लिए, न्यू वीडियो लेके। और आप सबको एक जानकारी दे दूं, जो मेरा न्यू चैनल है उसमें पूरे 11 सब्सक्राइबर हो गए। ये तो उसमें अभी वॉच टाइम भी 2 आवर से ज़्यादा हो गया है मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। इम्प्रेशन भी यूट्यूब वाले बहुत ही ज़्यादा अच्छा दे रहे हैं, और अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा चैनल बहुत जल्दी ग्रो अप कर ले जाएगा। अगर आपको भी अपना चैनल कैसे ग्रो अप करना है, मोटिवेशनल वीडियो चाहिए, तो मैंने अपना कल एक वीडियो डाला था मोटिवेशनल वीडियो पे ही, आप जाके उसको ज़रूर देख सकते हैं। अगर आप उसको फॉलो कर लिए ना, आपका चैनल जल्दी ही ग्रो अप हो जाएगा और आपको फेमस होने से कोई नहीं रोक पाएगा, तो ज़रूर देखिएगा। तो आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो उन लोगों के लिए है जो ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं या अकेले रहते हैं। उन लोगों के लिए भी है जिन्हों समझना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं कि इंसान अकेला अपने आप में कैसे रह लेता है, और जिसको मतलब आसपास किसी से बात कोई नहीं करता, वो अकेला फील करता है, उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगकारी है। जो लोग खुद में अकेला रहना पसंद करते हैं, अकेला रहना कैसे पसंद करते हैं मैं बताती हूँ। जैसे वो लोग नहीं कि जो सिर्फ रूम के अंदर रहते हैं या कहीं भी जाओ अकेले रहते, तो वो नहीं, जो दुनिया के भीड़ में भी जाके ना अपने आप में ही मस्त रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग उनको देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, वो अकेले घूम रहे हैं, उनके फ्रेंड्स हैं या नहीं है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मस्त होते हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता लोग उनको देख के क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, उनको लेके क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मस्त रहते हैं। अकेले रहने वाले लोग ना अपने आप में ही खुश रहते हैं, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप को ही सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं, उन्हें किसी भी मतलब कोई भी दुख हो अपने आप से शेयर करते हैं, कोई भी खुशी हो अपने आप से ही शेयर करते हैं, वो अपने आप में ही मस्त रहते हैं, उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता कि अगर कोई उन्हें अकेला छोड़ दे, उनसे कोई बात करने को ना हो, तो ऐसा फील नहीं करते, अरे सैड नहीं हो जाते, अरे यार मेरे पास कोई नहीं है, मैं क्या करूँ, कोई दोस्त नहीं है, रोते नहीं हैं, उन लोग अपने आप में खुश रहते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत लिटरली नहीं होती ज़िंदगी में, वो लोग अपने आप में ही आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है और बहुत ही ज़्यादा क्षमता होती है उनमें, ऐसा है ना कि वो अपने क्षमता से भी ज़्यादा बढ़कर काम कर सकते हैं, उस चीज़ को कर सकते हैं और वो चीज़ करके ही दम लेते हैं, उनमें इतना ज़्यादा ताकत होता है। अगर आप अकेले रहते हो घर में, तो आप ये मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ वो नहीं कर सकते, अगर आपको सभी ने छोड़ दिया है, आपको अकेला कर दिया है, तो भूलो मत, बस थोड़ा समय लो और समझो कि आप जो कर सकते हो ना, वो जो भीड़ में लोग खड़े हैं ना, वो नहीं कर सकते, आप अपने अकेलापन को ही अपना ताकत बनाओ और आगे बढ़ते जाओ। और बाकी जो मतलब होते हैं ना विश्वासघात वगैरह, इन लोग में नहीं होते, लोग बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होते हैं और बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं लोग। ये लोग जानते हैं कि भरोसा तोड़ना क्या होता है, क्योंकि इन लोग अक्सर अकेले क्यों पड़ जाते हैं, शुरुआत में ये लोग अकेले नहीं रहते हैं, अनुभव लोगों को देख के जान के, जब उन लोग समझ जाते हैं ना कि लोग असल में कैसे होते हैं, उन लोग जानते हैं कि अकेला रहना ही जीवन में सबसे अच्छा है, क्योंकि लोग दोगले होते हैं। और ये लोग है ना भावनात्मक रूप से बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, इनको वो काम करना बिल्कुल पसंद नहीं जो लोग बोले थोपे कि तुम ये करो, नहीं, इन लोगों को ये करना पसंद है जो उनके मन पसंद हो, जो उनकी आत्मा चाहती हो, जो जिनसे उन्हें खुशी मिले, वो नहीं सोचते कि लोग क्या बोलेंगे ना क्या कहेंगे, ये नहीं सोचते, बस वो करते हैं जिनमें वो खुशी मिले, भले ही 10 लोग आगे सुना के जाए, वो बस सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, नहीं मैं खुश हूँ तो मैं लोगों की क्यों सुनने जाऊँ। और ये एक बात उनमें बहुत ज़्यादा खास होती है, वो सबकी सुनते हैं लेकिन करते अपने मन की है। बहुत सारे लोग होते हैं सबके सुन के अपना माइंड बदल लेते हैं, ऐसा नहीं, वो लोग क्या करते हैं, सुनते सबके हैं, अरे चलो हाँ बताओ, तुम भी बताओ, जिनका आइडिया अच्छा लगता है अपना लेते हैं और जिनका अच्छा नहीं लगता कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, मैं भी अपनाती। ये क्या है ना, थोड़ा मेंटली वीक हो जाते हैं तो अकेला पड़ जाते हैं, लेकिन ये जब अकेले होते हैं ना तो मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो बस आज इतना ही था वीडियो में, यही बताना था आपको। तो वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो आपको अगर कोई लगा कि ऐसा है तो उसके साथ शेयर कर देना चाहिए, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच 11 सब्सक्राइबर जिन्होंने किया है, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मेंटली
भूल गई, लेके मच्छर यार पता नहीं लेते, मच्छर घूम रहा साला, मेरी वीडियो मिली थी तुझे आने को, चले जा हम।